अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन ड्रामा सिलसिले जाने के बाद ड्रामे का बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कमाल का प्रोमो शेयर कर दिया गया। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया लाजमी से करते जाना। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हो। तो तेरे जाने के बाद ड्रामे के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हो। ये नाजरीन अब यहाँ पर अशर के घर से जाने के बाद ही नाजरीन यहाँ पर अकल आ जाती है नाजरीन यहाँ पर इसकी माँ को, जिसकी वजह से ये जल्दी से चली जाती है सैजल के घर। उस घर में जाकर जब ड्रामे करना शुरू कर देगी और कहेगी कि जब से मेरी बेटी जो है वो उस घर से गई है, तब से यहाँ पर उस घर की जो वो रौनक ही चली गई है और अब यहाँ मेरी खुशबख्त बहू मेरे साथ चल रही है ना, जिसके बाद नजरीन कहेगी कि यहाँ पर अब जैसे ये जाएगी तो सब कुछ जब वो वापस ठीक हो जाएगा, जिसकी वजह से नजरीन यहाँ पर सैजल की माँ जो वो इसे जाने के लिए रेडी कर देगी, जिसके बाद नजरीन ये चल पड़ेंगे और जिसके बाद ये जैसे ही घर पहुंचेंगे तो नजरीन आगे से जो फरहीन मिल जाएगी और नजरीन फरहीन भी नाटक करना शुरू कर देगी कि जैसे इसे बहुत ज्यादा जो अच्छा लगा यहाँ से वापस इस घर में जो वो देख के, जिसके बाद नजरीन यहाँ पर सैजल जैसे अपने कमरे में जाएगी कि नजरीन यहाँ पर ऊपर से जो फरहीन फिर अपना असल चेहरा दिखा देगी अपनी माँ को, कहेगी पराई लड़की के लिए यहाँ पर आप अपनी बेटी को अपने से दूर कर रही है, जिसकी वजह से नजरीन इसकी माँ कहेगी ये जो कुछ भी हुआ है यहाँ पर तेरी वजह से ही हुआ है। और जिसके साथ साथ नजरीन यहाँ पर आप लोग दूसरे जनम देखने वाले हो कि नजरीन फरहीन बाहर से जो शॉपिंग करके जैसी आएगी तो नजरीन यहाँ पर रिश्ते वाली आंटी को देखेगी, जिसके बाद नजरीन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएगी और अपनी माँ के पास आकर बैठ जाएगी और कहेगी ये औरत यहाँ पर क्या कर रही है और यहाँ मुझे बता दी यहाँ पर ये खिचड़ी क्या पक रही है इस औरत के साथ बैठ के, जिसकी वजह से यहाँ पर इसकी माँ कहेगी यहाँ पर तेरा मैं रिश्ता ढूंढ रही हूँ ताकि यहाँ पर तुझे मैं इस घर से जो दफा कर सकूँ, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा फरहीन गुस्से में आ जाएगी और कहेगी कि यहाँ पर मैंने समीर से शादी करनी है, आज करनी है, अभी करनी है, जिसकी वजह से नजरीन यहाँ पर शायद धमकी देकर जो है वो घर से बाहर निकल जाए, जिसकी वजह से नजरीन यहाँ पर इसकी माँ इसे जो है वो इतना ज्यादा जो है सीरियस से नहीं लेगी, लेकिन नजरीन ये सचमुच जो है शादी करके आ जाएगी निकाह करके। और नजरीन यहाँ पर अब ये सब लोग जो वो बैठे होंगे, इनके पास सैजल भी आकर बैठ जाएगी और नजरीन शायद इसका जो अशर के साथ भी जो शायद कॉन्टेक्ट हो जाए और अशर यहाँ पर माफ कर दे अपने माँ बाप को, लेकिन ऊपर से ट्विस्ट यह आएगा कि नजरीन यहाँ पर जो है फरहीन यहाँ पर अपने साथ जो समीर को लेकर आ गई होगी और कहेगी यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये आज से जो है वो मेरा शौहर है, मैंने इससे जो है वो शादी कर ली है, ये इस घर का दामाद है, जिसकी वजह से नजरीन सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और शायद यहाँ पर वो रिश्ते वाले ही आए होंगे यहाँ पर इसे देखने के लिए और तभी यहाँ पर इसने ये सब कुछ सुना दिया। इसने ठीक किया नहीं ठीक किया लाजमी से बताते जाना।